सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जयकारा शेरावाली जी दा गोदान जय करवार के श्लोके दुर्गा शिववाच देवी संभक्त सुभ्य सर्वकार्य विधायणे कलाभिकार सिद्ध्यर्थम् उपायम् रोहे यत्नतः देव्योवाच शृणो देवा प्रवक्ष्यामि कलो सर्वे च साधनम् मया त्वमेव स्नेहेनाभ्यम्बा श्री दुर्गा सप्तश्लोके स्तोत्रमन्त्रस्य नारायण ऋषे परश्व छन्दः श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्या देवता श्री दुर्गा सप्तश्लोके दुर्गा पारे विनियोगः चेतांसि देवी भगवती सा बलादा कृष्णमोहाया महामाया प्रयच्छते दुर्गे स्मिता हरसि भीतिमच जयन्तो स्वस्ते स्मिता मतिमते वशुभां ददाति दारिद्र्यदुःखमरहारणिका सुधन्या सर्वोपकार करणाय सदा चित्ता सर्वमंगल मंगल शिव सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनाथ परित्राण परायणे सर्वस्याति हरे रवि नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेश सर्वशक्ते समन्विते भयमस्त्रारिणो देवि दुर्गे देवि नमोस्तुते रोगानशेषाणवः सिदृष्टा पृष्टादुकामान सकलानभीषान् त्वामाश्रिताणां कलिमानराणां श्रयताम्रयान्ति सर्वाभाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिनाशनम् ॐ श्री दुर्गायै नमः श्री दुर्गाष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम् ईश्वर वाच शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलाननने यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत्सति ॐ सदिशाधि भव प्रीता भवानी ममाचनि आया दुर्गा जया चाद्या त्रिनेता शूलधारिणि विनागधारणे चित्रा चण्डघण्टा महातपा मनोबुद्धिरहङ्कार चित्तरूपा चिताचिति
सर्वमंगलमये सत्ता सत्यानंद सर्वपणे आनंद भावने भव्या 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 सदा गते शांभवे देव माता च चिंता रत्ना प्रिया सदा सर्व विद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशने अपर्णाने गवर्णा च पाटला पाटला पदे पट्टाबर परे धारा कल मंजिर रंजने हमे अविक्रमा क्रूरा सुंदरे सुर सुंदरे वन दुर्गा च मातंगे मतंग मुनि पूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी चंद्र कौमारी वैष्णवे तथा चामुंडा देव वाराहे लक्ष्मीश्च पुरुषाग्रे विमलोत्कर्षणे ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिरा बहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहन वाहना निशुंब शुंब हनने महिषासुर मर्दने मधुकैरवहंद्रे च चंद्रमुंड विनाशने सर्वासुर्विनाशा च सर्वदानवघातने सर्वशास्त्रमयि सत्या सर्वात्र धारणे तथा अनेक शस्त्र हस्ता च अनेकास्त्रस्य धारणे कुमारी तेजकन्या च कैशोरेजुमतेजते अप्रौढादेव प्रौढा च वृद्धमाता वरप्रदा भोदरी मुक्तकैशे गौरवपा महामना अग्नि ज्वाला रौद्रमुखे कालरात्रे तपस्वने नारायणे भद्रकाले विष्णुमाया जलाधरे शिवरोदे कराले च अनन्ता परमेश्वरे कात्यायने च सावित्रे प्रत्यक्षा ब्रह्मवादने जाविदं ब्रह्मणे नित्यं दुर्गा नाम सदाशगम् नाचाध्यं विद्यते देवे त्रिषु लोकेषु पार्वते धनं धान्यं सुखं जायां भयं हस्तेन च चतुर्वर्गं तथा चान्ते लभे मूर्तिं च शाश्वतीं कुमारीं पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजयत्वया भक्त्या परे नाम च दाशकम् कस्य सिद्धिर्भवे देवे सर्वैः सुरवरैरपि राजानो नाशतां जान्ति राज्याश्रियमवाप्नुयात् घोरोचनालक्तकुम्भमेण सिन्दूरकर्पूरमधुत्रेण विलिख्य यन्द्रं विधिना विलिख्य भवे सदा धार्यते पुरारिः भौमावास्यानि चामग्रे चन्द्रशदभिषां गते विलिख्य प्रभणे स्तोत्रं सामवे सामवापद इस समय इस पवित्र गुफा में वैष्णो माता जी की प्रातःकालीन आरती षोडशोपचार द्वारा पंचामृत से विधिवत वैदिक रीति से हो रही है। आप श्रद्धालु भक्तजन विद्वानों के मुखारविंद से श्री दुर्गा सप्तशरी जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे हैं। विश्व के कल्याण में ही हम सभी का कल्याण भी निहित है। इस समय केवल हम भक्त ही नहीं सभी देवता भी स्वर्ग लोक से उतरकर माता जी की इस दिव्य आरती का आनंद प्राप्त करने के लिए अपना सूक्ष्म रूप धारण करके इस पवित्र गुफा में पधारते। सभी से निवेदन है कि वे श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के चरणों में ध्यान करते हुए इस दिव्य पाठ का श्रवण एवं स्वयं पाठ करें। अथ देव्याः कवचम् ॐ अथ श्रीकण्ठे कवचस्य ब्रह्मा ऋषे अनुष्ठव छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गन्यासोत्तमातरा बेजं दिलवन्धदेवता सत्त्वं श्रीचरणं मारीत्यर्थे सप्तशदे पाडाङ्गत्वेन
जप विनियोग ओम नमः चंडिकायै मार्कण्डेयवाच ओम जद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरणिणां यन्न कस्यचिदाख्यातं धर्मेर्नो हेमिदामः ब्रह्मवाच अस्ति गुह्यतमं विप्रा सर्वभूतोपकारकम् देव्यासो कवचं पुण्यं दक्षिणश्च महामुने प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणे तृतीयं चन्द्रकण्डेति कुष्माण्डेति जलदगम् पञ्चमं स्कन्दमादेति षष्ठं कात्यायनेति च सप्तमं कालरात्रेति महागौरेति चाष्टमम् नवमं सिद्धिदाते च गवदुर्गः प्रकेतिता उक्ताने तानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मा अग्निनादयमानस्तु शत्रुमध्ये गदारणे विषमे दुर्गमे चैव भयातः शरणं गता न तेषां जायते किञ्च अशुभव्रणसङ्गणे नापदं दश पश्यामि शोकदुःखाभयं नहि येषु भक्त्या सुदानूनं तेषां वृद्धिः जायते ये त्वां सरन्ति देवेषु रक्षसे ताटसंशया प्रेतसंसाधु चामुण्डा भाराहि महिषासना ऐन्द्रिगसमारूढा वैष्णवे गरुडासना माहेश्वरी विशारूढा कौमारी शिवाणा लक्ष्मी पद्मासना देवे पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपा धरा देवे ईश्वरी विश्वाणा ब्राह्मी हंस समारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येतामातरा सर्वा सर्वयोगसमन्विता नानाभरणशोभाजा नानारत्नाभजाभिता दृश्यन्ते रथमारूढा दिव्यः क्रोधः समाकुला शङ्खं चक्रं गदां शन्ति भरं च मुसलायुधं हेतनं तोमरं जैव पशुं वाचमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शारङ्गायुधमुत्तमम् दैत्याणां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्तायुधानीतं देवानां चेताय वै नमस्ते महारौद्र महागौरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशने साहि मामेवि दुष्प्रश्य शत्रुनामयवर्धने राजां रक्ष मामेन्द्रे अग्नेयामग्निदेवता दक्षिणे वसुभाराहि नैत्यां गर्गधारणि प्रति चामारुणि रक्ष वायभ्या मृगवाहिनि उदि चापादुकौमारि एषाणां शूलधारणि पूर्वं ब्रह्माणि मे रक्ष अधस्ताद् वैष्णवे तदा एवं दर्शो रक्ष चामुण्डा शववाहन जया मे चाग्रता पादो धिया पादो मृष्टनः अजिता वाम पार्श्वतो दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योदने रक्ष भुवामुग्ने व्यवस्थिता बालादरे ललाटे च भुवो रक्ष जठस्वने त्रिनेता च भुवोर्मध्ये धमखण्डा जनाधिके शङ्कणे चतुषोर्मध्ये श्रोत्रयो द्वारवासने कपोलो कालिका रक्ष कर्णमूल तु शङ्करे नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोषे च दर्शिका अग्रे चामृकला जिह्वायां च सरस्वते दन्ता रक्ष कौमारे कण्ठदेशे तु चण्डिका खण्डिकां चित्रखण्डा च महामाया च सालुके कामाक्षेशुकं रक्ष वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाले च पृष्ठभञ्जनोदरे नीलग्रीवामहे कण्ठ नलिकां नलकोमरे
स्कंदे रक्ष बाहु में वज्रधारणे हस्ंडने रक्ष अंबिका चांगुलेश नगांशुलेश्वरी रक्ष कुक्षो रक्ष कुलेश्वरी कणारक्ष महादेवी मनाशोक विनाशने हृदय ललिता देवी उदर चोलधारणे कामोच कामणि रक्ष भूयं भूयेश्वरे तदा भूतना कामिका मेटं कुले महिषवाहिनी कत्यां पर्वते रक्ष जानने विन्द्रवासने जंघे महाबला रक्ष सर्वकाम प्रदायने गुल्फयोर्नारसिंहेशपादप्रेषयदुतेजसे पालाङ्कुलेशुक्ष पादास्तरवासने गगादश्चाकराले च केशा चैवोद्वकेशने रोमकूपे चुकोवेरि त्वजं भागेश्वरे तदा रक्तमच्चामसामासानि वेदान्ति पार्वती आन्त्राणि कालरात्रि च पित्तं च मूढेश्वरि पद्मावति पद्मकोश कवचूडामणे तदा ज्वालामुखे नरज्वालामभिद्या सर्वछन्दसो शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्ष छायां क्षत्रेश्वरे तदा अहङ्कारं मनां बुद्धिं रक्ष मे धर्मधारणे प्राणपाणो तथा व्याणम् उदारं च समानकम् वज्रहस्ता च मे रक्ष प्राणं कल्याणशोभन रथरूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च शोगणे सत्त्वं रणस्तमश्चैव रक्ष नारायणे तदा आयु रक्ष वाराहि धर्म रक्ष वैष्णवे यशा कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्षणे गोत्रमिन्द्राणि मे रक्ष पशुर्मे रक्ष चण्डिके पुत्रा रक्ष महालक्ष्मीर्भार्यां रक्ष वैरवे कण्ठाणां समदा रक्ष मार्गं क्षेमकरे तदा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वथा स्थिता रक्षाहीनं दुजास्ताणं भर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवि जयन्ति पापनाशने पदमेकं न गच्छतो जलिच्छे शुभमात्मनः कवचेनापितो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्तादलाभश्च विजया सार्वकामिका जं जं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वरमतुलं प्राप्स्यते भूतले भवान् निर्भयो जायते मर्त्यः सङ्ग्रामेश पराजितः हे लोके तु भवेद्भूज्यः कवचेनापितः पुमान् इदं तु देव्या कवचं देवानामविदुर्लभम् जाफले प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धाविदः देवी कला भवेत्तस्य त्रैलोकेश पराजितः जीवे वर्षशतं जाग्रम् अवमृत्यो विवर्जितः पश्यन्ति व्यादया सर्वे लोता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं जैव कृत्रमञ्जाभिजल्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले गोचराचेचराश्चैव चरचाचोपदेशिका सजा कुलजा माला डाकणेशा गणे तथा अन्तरिक्षा चरा घोरा डाकिण्डश्च महाबला या भूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसा ब्रह्मराक्षसवेतारः कृष्णाणावैरवादयः दर्शन्ति दर्शनादस्य कवचैरिति संसद मानोन्नतिर्भवैराग्यस्तेजो वृत्तिकरं परं यशसा वर्धते स्वाभि कीर्तिमण्डितभूतले जपे सत्त्वजलिं जण्डिं कृत्वा तु कवचम्बुरा यावद्भूमण्डलं दत्ते सशैलभनगाननं
कारणे दुर्ग संसार सागरस्य गुलोत्तमा इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठे नर सोऽतु सप्तजति संज्ञा परमापुनो दिवसंवदा अथ कीलकम् ॐ अथ श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवाऋषिवशन्नः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बादिदासं सप्तशति पाणागत्वेन जपे विनियोगः चण्डिकायै मार्कण्डवाय ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी प्रचक्षुष श्रेयापातिनिमित्ताय नमः सोमाददारिणे सर्वमेतद्यानीयान्मन्दानामविकीर्णकम् स्वभिक्षेमप्रोधि सदृतं जातदत्तदा युद्धन्तु जाननादीनि वस्तूनि सकलानपि एतेन सपदां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति नामङ्गानौषधं दत्त न किञ्चिदपि विद्यते विना जापेन सिद्ध्यत सर्वमुच्चारणादिकं समग्राणपि सिद्ध्यन्ते लोकशङ्कामि मामरा कृत्वा निमन्त्रयामाद सर्वमेवमिदं शुभम् स्तोत्रं वे चण्डिकाया तु तच्च गुप्तं जगारसा समासेन जपुण्डस्य तां यथा वै नियन्त्रणां स्वभिक्षेमवाप्नोति सर्वमेवं न सञ्चया ज्येष्ठायां पाच द्वादश्याम् अष्टम्यां वा समाहितः दधाति प्रतिगृह्णाति नान्यदेशादसेदते इत्थं रूपेण कीर्णेन महादेवेन कीर्तितम् ज्वानिशीलाभिधायेण नित्यं जपति संस्मरणं स्वसिद्धासागना स्वामि गन्धर्वजायते नरः न चैवापतस्तस्य भयं पापी अजायते नामृत्योवशं जाति मृता मोक्षमाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य गुरुवेदा न कुर्वाणो विनश्यति तदा ज्ञातेव सम्पन्नम् इदं प्रारभ्यते बुधे सोमाख्यातिरञ्जिञ्च दशतेलनायन श्रद्धरां तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शमं शनेषु जाप्यमाणे स्तोत्रे सम्बद्धे भवत्येव समग्रापि तथा प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहाणि परो मोक्षः श्रूयते सानगिञ्जनैः ॐ श्रद्धालु भक्तजन अभी तक श्री वेदव्यास द्वारा विरचित मार्कंडे प्राण से उद्धृत श्री दुर्गा सप्तशती जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे थे। अभी स्तोत्र पाठ होगा। स्तोत्र पाठ से भक्तों के घरों में सर्वदा रिद्धि सिद्धि बन रहती है। विशेषतया आपके रोगों शत्रुओं दुख एवं दारिद्र का विनाश होता है। मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र मधु मधुरे मधु कैलव कंचन कैलव कंचन राम
Thank you.
अभी अंत में पृष्ठ नंबर 30 पर क्षमा प्रार्थना निकाल लीजिएगा। अथ क्षमा प्रार्थना अपराध सहस्रानी यज्ञ श्रद्धालु भक्तजन 3 बार
ओंकार अक्षगनाथ करेंगे, एक साथ उच्च स्वर से लंबे स्वर से हृदय से वास निकालते हुए माता जी के चरणों में यह प्रार्थना करते हुए, हे माँ इन परम स्तोत्रों से यदि कहीं भी कुछ भक्ति का लेश मिले उसी से प्रसन्न हो जाओ, हमारे अपराधों को क्षमा करो एवं मनोकामना को पूर्ण करो, ऐसा मन में माता जी के चरणों में भाव करते हुए आप सभी भक्तजन तीन बार एक साथ ओंकार अक्षगनाथ कीजिएगा। बिंदुम संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव श्री ओंकाराय नमो नमः। योगीजन बिंदु से संयुक्त इस ओंकार का नित्य प्रति काम एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए ध्यान करते हैं। हमारी सृष्टि का स्वरूप भी ओंकार स्वरूपा ही है तथा इसके आदि एवं अंत में इसे अखिर का गुंजायमान सदैव होता रहता है। ओंकार अक्षर के जाप से उच्चारण से कई आदि व्याधियों का विनाश भी होता है। हे माँ इस प्रणव अक्षर ओंकार में आकार उकार और मकार के रूप में ब्रह्मा विष्णु एवं महेश के रूप में आपकी नित्य स्थिति है तथा बिंदु स्वरूपा अर्धमात्रा जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता वह भी आप ही हैं। सच्चिया ज्योतां वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरां वाली जीदा सच्चे दरबार। अभी आप सभी श्रद्धालु भक्तों ने पूर्ण तन्मयता से तल्लीन होकर श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के इस दिव्य पाठ का श्रवण किया। जिस श्रद्धा से आप सभी ने इस पाठ का श्रवण किया है स्वयं पाठ किया है उसी रूप में जगदम्बा वैष्णो माता प्रसन्न होकर आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी माता से प्रार्थना है। अभी आपने श्री देवी कवच का पाठ किया, इसी के महात्मा प्रकट करते हुए ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि पदम एकम न गच्छे तु जदिच्छेषो मात्मना कवचे नाभ्यतो नित्यम यत्र यत्र गच्छति तत्र तत्रास्य लाभश्च विजया सार्वकामिका धन धन चिन्तयते कामं तन्तं प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वर मतलं प्राप्स्यते भूतले पुमान। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मनुष्य यदि अपने शरीर का भला चाहे तो बिना कवच के कहीं एक पग भी ना जाए अर्थात कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहां जहां भी जाता है वहां वहां से धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। जिस जिस अभीष्ट वस्तु का चिंतन करता है उस उसको निश्चय प्राप्त कर लेता है। इसलिए भक्तों को सदैव श्री देवी कवच का पाठ करके ही घर से बाहर निकलना चाहिए। सच्चिया ज्योतां वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरां वाली जीदा बोल सच्चे दरबार की। राजा युधिष्ठिर जी श्री कृष्ण जी से पूछ रहे हैं कि महाराज आपने मुझे फाल्गुन शुक्ल पक्षी आवल की काशी का महात्म बताया, अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि चैत्र मास के कृष्ण पक्षी कौन सी काशी है, इसका क्या महात्म है, क्या विधि है। उस समय कृष्ण जी राज कह रहे हैं कि राजन चक्रवर्ती सम्राट राजा मानधाता ने भी लोमर ऋषि से इसी काशी के महात्म के बारे में पूछा था। मानधाता राजा लोमर ऋषि से पूछ रहे हैं कि महाराज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की कौन सी काशी है, इसका क्या महात्म है। उस समय लोमर ऋषि बता रहे हैं कि प्राचीन काल में चैत्र रथ नाम का एक वन था जिसमें गंधर्व कन्याएं अपने कैंकरों के साथ वीणा वादन करती ही बाजे बजाती विहार करती थी। वहीं एक मंजू घोषा नाम की अप्सरा थी जो वीणा वादन करती हुई मेधावी ऋषि के आश्रम के पास पहुंची। वहां मेधावी ऋषि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए तपस्या में रत थे। वो उनके तपस्या के भय से डरी हुई एक कोस पीछे ही जो रुक करके वीणा वादन करने लगी और मधुर वाणी से संगीत
का गायन करने लगी। मेधावी ऋषि उधर विहार करते पहुंचे और उस वीणा वादन को सुन करके, सुंदर अप्सरा को देख करके वो अपनी सेना सहित काममान से मूर्छित हो गए, मोहित हो गए। और ऐसा देख करके मंजूघोषा अप्सरा ने अपनी वीणा को नीचे रख दिया और उनका आलिंगन किया। ऋषि भी उसके साथ रमन करने लगे। कई वर्ष बीत गए, उनको दिन रात का भान नहीं रहा। एक दिन मंजूघोषा ने कहा कि महाराज, मुझे अब अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए, मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। परंतु मेधावी ऋषि ने कहा कि प्रातः की संध्या हो लेने दो, तभी आप चले जाना। परंतु मंजूघोषा ने कहा कि महाराज, अब समय का पता तो लगाइए कि कितना समय हो गया है। तब मेधावी ऋषि के जो नेत्र थे वो आश्चर्य से चकित हो गए और उन्हें हिसाब लगाया कि उसके साथ रमन करते हुए उनके 57 वर्ष हो गए हैं। तब उन्होंने कहा कि तूने मेरी बड़ी तपस्या को भंग कर दिया है। वो क्रोधित हो गए और उसको श्राप दे दिया कि तू पिशाचनी हो जा। उस समय मंजूघोषा ने कहा कि महाराज, जो सत्पुरुषों के साथ सात वाक्य बोलने से, सात पद चलने से मैत्री हो जाती है, मैंने तो कई वर्ष आपके साथ व्यतीत किए हैं, मुझे आपने श्राप दे दिया, मेरी इससे कैसे मुक्ति होगी। उस समय मेधावी ऋषि कह रहे हैं कि तू चैत्र मास के कृष्ण पक्ष जो पाप मोचनी काशी है, इसका जो व्रत कर, इससे निश्चित रूप से इस पाप योनि से, पिशाचनी योनि से मुक्त हो जाएगी। तब मेधावी ऋषि अपने पिता च्यवन जी के पास गए और च्यवन जी ने उसको देख करके कहा कि तूने ये क्या पाप कर दिया है, अपनी तपस्या को नष्ट कर दिया है, ब्रह्मचर्य का पालन खो दिया है। तब मेधाजी ऋषि जी अपने पिता के चरणों में गिर गए और प्रार्थना की कि महाराज, पिताजी मुझे ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे मैं पुनः अपनी तपस्या में रत हो जाऊँ। उस समय मेधावी ऋषि ने बताया कि तू जो चैत्र मास की कृष्ण पक्षी जो पाप मोचनी काशी है, जो सारे पाप को धो डालती है, इसका व्रत कर। मेधावी ऋषि ने विधि पूर्वक उपवास प्रायण रहते हुए इस व्रत को किया और वो पाप से मुक्त हो गए, अर्थात पुनः अपनी तपस्या में रत हो गए। और मंजूघोषा ने भी इस व्रत को किया, इससे वो पाप योनि जो पिशाचनी योनि से उससे मुक्त हो गई और वो अपने देश स्वर्ग में चली गई। जो भक्तजन आज के दिन पाप मोचनी काशी का व्रत करके आहार जो निराहार रह करके, निर्जल रह करके इस व्रत का पालन करते हैं और रात्रि भर जागरण करके भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, उनको स्वस्थ गोदान का फल प्राप्त होता है। सुरापान करने वाले गुरु पत्नी गामी और जो गो हत्या करने वाले भी इस व्रत को करके आपसे मुक्त हो जाते हैं। आप सभी सौभाग्यशाली पुण्यकर्मी हैं जिनको आज पाप मोचनी काशी के दिन माता के चरणों में बैठ करके सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और माता महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तीनों महाशक्तियाँ आदि काल से संपूर्ण विश्वभर में संयुक्त रूप में केवल यही विराजमान होती हैं, आपको शक्ति ऐश्वर्य ज्ञान के वरदान से संपन्न कर रही हैं। तीनों महाशक्ति जड़ मूल से एक हैं, ऊपरा के तीन स्वरूप और इनके चरणों से गंगा स्नान कराती परिक्रमा करती बह रही हैं, जिसमें आप स्नान करते हैं, चनावत ग्रहण करते हैं। इन्हीं के साथ बाएं हाथ पहाड़ी पर गणपति महाराज, सूरज, चंद्रमा, बट तथा प्रहलाद जी प्राकृत रूप से विराजमान हैं और साथ में महाराज का वरद हस्त भक्तों को प्रत्येक क्षण आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। सामने शंकर भगवान जी शिवलिंग रूप में विराजमान और इन्हीं तीनों महाशक्तियों का निवारण मंत्र, बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्छेद कलिकाल में भक्तों का विशेष उद्धार करने वाला है, जिसमें ऐं के चरण से आपको विद्या की प्राप्ति होती है, ह्रीं के चरण से धन अक्ष मिलता है, क्लीं के चरण से शक्ति प्राप्त होती है। चामुंडा माता जी का नाम एवं विच्छे के रूप में आप हमें अभय प्रदान करती हैं। आइए इसी निवार मंत्र का उच्चारण माता के चरण बैठे हुए हम सभी भक्तियां तीन बार करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा जे विच्छे, 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा जे विच्छे। अजियां ज्योता वाली माता तेरी सदा, जयकारा शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय।
घर में भी नित्य प्रति स्नान उपरांत शुद्ध वस्त्र धारण करके आप इसका कम से कम एक माला जाप अवश्य करें, जिससे तीनों शक्तियां आपको स्वतः प्राप्त हों और आपकी दृष्टि ठीक प्रकार से चले। दुर्गा वैष्णो माता आप आए हुए सभी भक्तों की मनोकामनाएं अपने मन में संजोए माता के प्रति लाए हैं सभी पूर्ण करें। माता जी का वरद हस्त सदैव आपके शीश पर रखा रहे और आप उत्तरोत्तर उन्नति मार्ग पर अग्रसर होते रहे। सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरा वाली जी दा मूल सच्चे दरबार की जय। अभी भजन की वेला है, सभी भक्ति हम उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते माता के बेटों में योगदान देंगे। सर्वप्रथम निवेदन है श्री सुरेश जी से अपनी मधुर बहन प्रस्तुत कर रहे हैं। जय करा मेरी शेरा वाली मैया जी दा ओ सच्चे दरबार की जय। मैया दे ध्यान बिच लाइया क्यों ना अखिया मैया दे ध्यान बिच लाइया क्यों ना अखिया रज रज देख के रजाइया क्यों ना अखिया रज रज देख के रजाइया क्यों ना अखिया मैया दे ध्यान बिच लाइया क्यों ना अखिया मैया दे ध्यान बिच लाइया क्यों ना अखिया रज रज देख के रजाइया क्यों ना अखिया रज रज देख के रजाइया क्यों ना अखिया। वाली की बात यही है, सभी लोग हाथ उठा कर माता जी हाजिर देंगे और ऊंचा बोलेंगे मिलकर जय माता। अखियां च पई मैल अग्यार दी बंदे तेरी निगाह जेना मानू पहचान दी बंदे तेरी निगाह जेना मानू पहचान दी बंदे तेरी निगाह जेना मानू पहचान दी मानू पहचान दी ता किसे अकल वाले नू दिखाइया क्यों ना अखिया किसे अकल वाले नू दिखाइया क्यों ना अखिया रज रज देख के रजाइया क्यों ना अखिया रज रज देख के रजाइया क्यों ना अखिया मैया दे ध्यान बिच लाइया क्यों ना अखिया मैया दे ध्यान बिच लाइया क्यों ना अखिया रज रज देख के रजाइया क्यों ना अखिया रज रज देख के रजाइया क्यों ना अखिया होवे नुकसान ते मखण वांगू चौंदिया होवे नुकसान ते मखण वांगू चौंदिया पुत्तां दे बिछोड़े बिच छम छम रोंदिया पुत्तां दे बिछोड़े बिच छम छम रोंदिया पुत्तां दे बिछोड़े बिच छम छम रोंदिया छम छम रोंदिया माँ दी याद बिच बर ताइया क्यों ना अखिया माँ दी याद बिच बर ताइया क्यों ना अखिया रज रज देख के रजाइया क्यों ना अखिया रज रज देख के रजाइया क्यों ना अखिया मैया दे ध्यान बिच ताइया क्यों ना अखिया मैया दे ध्यान बिच ताइया क्यों ना अखिया रज रज देख के रजाइया क्यों ना अखिया रज रज देख के
ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲਜਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲਜਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗਾਉਣ ਵੇਲੇ ਨੀਵੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗਾਉਣ ਵੇਲੇ ਨੀਵੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗਾਉਣ ਵੇਲੇ ਨੀਵੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨੀਵੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਪਾਂ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਸ਼ਰ ਮਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅੱਖੀਆਂ ਰਾਜ ਰਾਜ ਵੇਖ ਕੇ ਰਜਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅੱਖੀਆਂ ਰਾਜ ਰਾਜ ਵੇਖ ਕੇ ਰਜਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅੱਖੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅੱਖੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਜ ਰਜ ਵੇਖ ਕੇ ਰਜਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅੱਖੀਆਂ ਰਜ ਰਜ ਵੇਖ ਕੇ ਰਜਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅੱਖੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦਾ ਜੇ ਅੱਥਰੂ ਨਾ ਆਇਆ ਏ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦਾ ਜੇ ਅੱਥਰੂ ਨਾ ਆਇਆ ਏ ਇਹਨਾਂ ਨੈਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਸਾਇਆ ਏ ਐਨਾ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਸਾਇਆ ਏ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਸਾਇਆ ਏ ਤਾਂ ਸੂਰਦਾਸ ਵਾਂਗੂ ਕਰ ਮਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅੱਖੀਆਂ ਸੂਰਦਾਸ ਵਾਂਗੂ ਕਰ ਰਜ ਰਾਜ ਵੇਖ ਕੇ ਰਜਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅੱਖੀਆਂ ਰਜ ਰਾਜ ਵੇਖ ਕੇ ਰਜਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅੱਖੀਆਂ ਮਈਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅੱਖੀਆਂ ਮਈਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਜ ਰਜ ਵੇਖ ਕੇ ਰਜਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅੱਖੀਆਂ ਰਜ ਰਜ ਵੇਖ ਕੇ ਰਜਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅੱਖੀਆਂ ਜਿਨ ਤੈਨੂੰ ਯੋਵਨ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਸਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ ਤੈਨੂੰ ਯੋਵਨ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਸਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ ਤੇਰੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਨੂਰ ਦਿੱਤਾ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਨੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ ਤੇਰੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਨੂਰ ਦਿੱਤਾ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਨੂਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਬਿਛਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅੱਖੀਆਂ ਉਹਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰਜ ਰਜ ਵੇਖ ਕੇ ਰਜਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅੱਖੀਆਂ ਰਜ ਰਜ ਵੇਖ ਕੇ ਰਜਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅੱਖੀਆਂ ਮਈਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਜਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅੱਖੀਆਂ ਮਈਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਜ ਰਜ ਵੇਖ ਕੇ ਰਜਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅੱਖੀਆਂ ਰਜ ਰਜ ਵੇਖ ਕੇ ਰਜਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅੱਖੀਆਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੈਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮਾ ਸੱਚਾਈ ਪਾ ਕੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੈਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮਾ ਸੱਚਾਈ ਪਾ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਚ ਦੀ ਸਲਾਈ ਪਾ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਚ ਦੀ ਸਲਾਈ ਪਾ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਚ ਦੀ ਸਲਾਈ ਪਾ ਕੇ ਸੋਚ ਦੀ ਸਲਾਈ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗ ਸਾਫੇ ਬਣਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅੱਖੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗ ਸਾਫੇ ਰਜ ਰਜ ਵੇਖ ਕੇ ਰਜਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅੱਖੀਆਂ ਰਜ ਰਜ ਵੇਖ ਕੇ ਰਜਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅੱਖੀਆਂ ਮਈਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ
क्यों नया किया मैया दे ध्यान बेच रज रज बेच के रजाइया क्यों नया किया रज रज बेच के रजाइया रज रज बेच के रजाइया क्यों नया किया रज रज बेच के रज रज बेच के रजाइया क्यों नया किया रज रज बेच के रजाइया क्यों जयकारा मेरी शेरा वाली मैया जी दा बोल सच्चे दरबार की एक ध्यान प्रस्तुत कर रहे हैं श्री मणिंदर जयकारा शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय मां किसे बिना मरे लोगों किसे बिना मरे लोको ए दुख बड़ा है पारा मोइया है ने जिना दिया मावा ओ लब दे फिर सहारा ओ लब दे फिर सहारा मावा ठंडिया छावा मावा ठंडिया छावा ओ मावा ठंडिया छावा मावा ठंडिया छावा आखन तती हवा ना लगे 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 लाल तो थक के जावा मावा ठंडिया छावा मावा ठंडिया छावा तारन वाली माता सबनु तारन वाली माता सबनु तारन वाली माता मां हर जीव दी जीवन दाता सबनु तारन वाली माता सबनु तारन वाली माता सबनु तारन वाली माता काले पोचे नू भी आखे 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 सीने दे नल लावा मावा ठंडिया छावा मावा ठंडिया छावा दारिन कोई ला नहीं सकदा कोई उपकार भुला नहीं सकदा कोई उपकार भुला नहीं सकदा कोई उपकार भुला नहीं सकदा ओ मां दारिन कोई ला नहीं सकदा कोई उपकार भुला नहीं सकदा कोई उपकार भुला नहीं सकदा कार पुलाने लगना फर्ग जिनों कहते नयो दे फर्ग जिनों कहते नयो दे फर्ग जिनों कहते
भजन प्रस्तुत कर रहे हैं श्री यशवंत। जयकार शिरोमणिदा बोल सच्चे दरबार की जय। तेरे दरबार जगदम्बे मैं आशा लेकर आया हूँ। तेरे दरबार जगदम्बे मैं आशा लेकर आया हूँ। नहीं सुनता जिसे कोई सुनाने तुझको आया हूँ। नहीं सुनता जिसे कोई सुनाने तुझको आया हूँ। तेरे दरबार जगदम्बे मैं आशा लेकर 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 आया हूँ। कुछ मेरे जो मैं तेरी नजर कर दूं। नहीं है पास कुछ मेरे जो मैं तेरी नजर कर दूं। नहीं है पास कुछ मेरे जो मैं तेरी नजर कर दूं। नहीं है पास कुछ मेरे जो मैं तेरी नजर कर दूं। जो मैं आंसुओं में एक हार लाया हूँ। मगर एक आंसुओं का मैं तेरे पर हार लाया हूँ। तेरे दरबार जगदम्बे मैं आशा लेकर आया हूँ। तेरे दरबार जगदम्बे मैं आशा लेकर आया हूँ। नहीं सुनता जिसे कोई सुनाने तुझको आया हूँ। नहीं सुनता जिसे कोई सुनाने तुझको आया हूँ। मेरी आशा की दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा है। मेरी आशा की दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा है। मेरी आशा की दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा है। जला दो आशा का दीपक तमन्ना लेकर आया हूँ। जला दो आशा का दीपक तमन्ना लेकर आया हूँ। तेरे दरबार जगदम्बे मैं आशा 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 लेकर आया हूँ। मैं खाकर ठोकरे जग की आया दर तेरे मैया। ठोकर जग की आया दर तेरे मैया। मैं खाकर ठोकरे जग की आया दर तेरे मैया। मैं खाकर ठोकर जग की आया दर तेरे मैया। बचा लो मुझको दुनिया से बहुत ही मैं सताया हूँ। बचा लो मुझको दुनिया से बहुत ही मैं सताया हूँ। तेरे दरबार जगदम्बे मैं आशा लेकर आया हूँ। तेरे दरबार जगदम्बे मैं आशा लेकर आया हूँ। नहीं सुनता जिसे कोई सुनाने तुझको आया हूँ। नहीं सुनता जिसे कोई सुनाने तुझको आया हूँ। तेरे दरबार जगदम्बे मैं आशा लेकर 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 आया हूँ। जय कर शिव बोल सच्चे दरबार की जय। ततः स्मरामि शरदिन्दुकरोज्ज्वलाभां तद्रत्नमकर कुण्डलहारभूषां दिव्याजुधोर्जित सुनीलसहस्रहस्ता रक्तोत्पलाभचरणा भवती परेशां
सचिया जोता वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। आज बिकवारी शिव संबत 2075 उत्तरायण उत्तर गोल वसंत ऋतु चैत्र मास की आयु 19 प्रविष्ट है। कृष्ण पक्ष आज द्वादशी तिथि है। सोमवार तदनुसार 1 अप्रैल 2019 के दिन दुर्गा वैष्णो माता जी की असीम अनुकंपा द्वारा आप सभी श्रद्धालु भक्तों को माता जी के तपोवन के दिव्यांग में बैठ करके सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अतः आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं जिनको आज पाप मोटनी एकादशी व्रत के दिन माता जी के चरण में बैठ करके सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज के दिन व्रत उपवास पूर्वक जब पूजा पाठ दान तथा रात्रि वार जाग करके भगवान विष्णु की आराधना करने से सभी पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। आप सभी का माता जी के दिव्यांगन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन तथा वैष्णो माता दरबार की ओर से आपके साथ विश्व के सभी मातृभक्तों को भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव पुत्रवान भव श्रीमान यशस्वी भव प्रज्ञावान भव भूरी भूति करणे दाने कनिष्ठो भव तेजस्वी भव बैरी दर्प दलने व्यापार दक्षो भव श्री शंभोर भव पाद पूर्णता सर्वोपकारी भव। मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा शत्रुना बुद्धिनाशोस्तु मित्रानाम उदयस्तव क्षीरवर्चस्व आयुष्यमारोग्यमाभिधा शुभमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। आपकी दीर्घायु हो, आपका आरोग्यता प्राप्त हो, अब धन धन से संपन्न हो। जिन मंत्रों का आपने श्रवण किया वे सभी सफल एवं सार्थक फल देने वाले हों। अब सदैव धर्मानुकूल कर्म करते हुए उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हूँ। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा जयकारा शेर वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी सभी भक्तियाँ उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता जी आरती बोलेंगे। सामने दीवार पर आरती लिखी हुई है, आपकी पुस्तिका के अंत पृष्ठ भी आरती है, सभी बोलिएगा। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करनी मैया जय आनंद करनी तुम को निशिन ध्यावत मैया जी को निशिन ध्यावत हरी ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी मांगत दूर विराज को मृग मद को मैया दी को मृग मद को उज्जल से दो नैना उज्जल से दो नैना चंद्रवद नैनी को ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेव पर राजे मैया रक्ता पर राजे रक्त पुष्प गल माला रक्त पुष्प गल माला कंकण पर साजे ओम जय अम्बे गौरी हे हरि वाहन राज खड़ग कपर धारी मैया खड़ग कपर धारी सुर नर मुनि जन सुर नर मुनि जन देवत जिनके दुख हारी ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासा प्रेमोति मैया नाथा ग्रे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति ओम जय अम्बे गौरी
ब्रह्मणि शुंभ विराज महिषासुर घाती मैया महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नैना धूम्र विलोचन नैना हरे मैया शोणित बीज हरे मधु कै दभ दो मारे मधु कै दभ दो मारे सुर भय हीन करे ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्मानी रुद्राणि तुम कमलारानी मैया तुम कमलारानी आगम निगम बखानी आगम निगम बखानी तुम शिव पट रानी ओम जय अम्बे गौरी चौसठ योगिनी गाव नृत्य करत भैरो मैया ने बाजत ताल मृदंगा बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जगती माता तुम ही हो करता मैया तुम ही हो करता भक्तन की दुख हरता भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी पूजाचार अति शोभित भरमुद्राधारी मैया भरमुद्राधारी फल पावक मनवाचित फल पावक सेवक नर नारी ओम जय अम्बे गौरी अंचन ताल विराज अगर कपूर बाती मैया अगर कपूर बाती माल के तुम्हें राज माल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी अम्बे आरती गो गावे मैया प्रेम सहित जावे सहस शिवानंद पावे सहस हरि हर स्वामी मनवाचित फल पावे ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी मैया जय कामा गौरी मैया जय मंगल करनी मैया जय आनंद करनी तुम कौन दिन जावत मैया जी कौन ध्यावत हरि ब्रह्मा जिवरी ओम जय अम्बे गौरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा करा शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की दे मैं अब छोड़ कर सार दुनिया के धंधे मैं अब छोड़ कर सार दुनिया के धंधे मैं अब छोड़ कर सार दुनिया के फंदे मैं अब छोड़ कर सार दुनिया के फंदे तुम्हारी भवानी चरण आ गया हूँ तुम्हारी भवानी चरण आ गया हूँ बिना ज्ञान के हो बिना ज्ञान के हो
काटू नजर दर पे भटका नहीं पाल गालू वही तुमसे करने ग्रहण आ गया हूँ वही तुमसे करने ग्रहण आ गया हूँ मारी भवानी करने आ गया हूँ तुम्हारी भवानी करने आ गया हूँ तेरे नाम की सारी दुनिया में चर्चा तेरे नाम की सारी दुनिया में चर्चा नाम करने स्मरण आ गया हूँ तेरा नाम करने स्मरण आ गया हूँ तुम्हारी भवानी करने आ गया हूँ तुम्हारी भवानी करने आ गया तुम्हारी भवानी करने आ गया सचियां जोतां वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरां वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय अभी परम पूजनीय श्री पुजारी महाराज माता जी पूजा करके गुफा द्वार पर पधार चुके हैं इस पवित्र गुफा का अखंड ज्योति का पूजन करेंगे तत्पश्चात माता जी आरती होगी आरती अब सभी भक्तों के बीच में आएगी सभी भक्तजन बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती वंदना करना प्रेम से बोलो जय माता दी जल मिल बोलो जय माता दी आहे वेला जय माता दी प्रादा वेला जय माता दी आरती वेला जय माता दी आप बुलांदी जय माता दी सचिन गांधी जय माता दी मेरा करना जय माता दी झोलिया भरी जय माता दी भरे खजाने जय माता दी झोला आने जय माता दी गोदा भरी जय माता दी वीर देनी जय माता दी लाल देनी जय माता दी माने सुनिया जय माता दी मुट्ठी बोलो जय माता दी हाथी बोलो जय माता दी ताली बजा के जय माता दी जोता वाली जय माता दी लाटा वाली जय माता दी चोलिया वाली जय माता दी चुनिया वाली जय माता दी चूड़िया वाली जय माता दी पहाड़ा वाली जय माता दी मंदिरा वाली जय माता दी घंटिया वाली सुने घंटिया वाली सुने द्वारा वाली जय माता सुने भवना वाली जय माता सुने शेरा वाली जय माता सुने गुफा वाली जय माता माँ आत्मानी जय माता माँ जग कल्याणी जय माता दी माँ महारानी जय माता दी सिद्धि रानी जय माता दी माँ वैष्णो देवी जय माता दी माँ महाकाली जय माता दी खप्पर वाली माँ शक्ति देवी जय माता दी लक्ष्मी मैया जय माता दी गढ़ की द्वारी जय माता दी माँ भरे खजाने जय माता दी सोला याने जय माता दी सरस्वती माँ अंतस्वारी जय माता दी विद्या देवी जय माता दी ज्ञान देवी जय माता दी बुद्धि देवी जय माता दी भक्ति देवी जय माता दी जय जय अम्बे 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 जय जय परम पूजनीय श्री प्यारी महाराज आरती प्रारंभ करते हैं सभी वक्त जहाँ बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती का क्रम देखिएगा जय माता रथ में गुरु जी को वंदना आनंदी आनंद करो कल्याणी कल्याण
खड़गम चक्र सुताप बलिगान शूलम शुंडेन्द्रा शंखम सन्दत सिंह सर्वांग भूषा वृता नीलाशतिनाशपादे महाकालिका याम तो स्विजे हरो कमल हंदम मधुम के जवम करा माशेरा वाली दा बोलो सांते आप सभी भक्तों को माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हो आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो बोलो सच्चे दरबार की जय माता जी Thank you.
Thank you.